तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर, जहां पर सीपेन नेटवर्क के बारे में हम बात करेंगे। आप में से काफी लोग इसकी माइनिंग कर रहे हो और फाइनली जो केवाईसी है गाइज वो रोल आउट यहां पर हो चुकी है, तो सब कुछ उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले गाइज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दे देता हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, यहाँ पे टेलीग्राम में भी आपको दिख जाएगा ये वाला डॉक्स वाला, ये सबसे ऊपर में जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको आप जरूर से कर लेना। हर कोई जो टेलीग्राम यूज कर रहा है गाइज यहाँ से टोकन फ्री में क्लेम कर सकता है। ये टेलीग्राम डेवलपर्स की तरफ से गिव अवे है, जहां पर अगर आपका जितना भी पुराना आपका टेलीग्राम आप यूज कर रहे होंगे, जितने टाइम से जितना पुराना अकाउंट होगा उतने ज्यादा कॉइन आपको मिलेंगे। अगर आप सपोज एक साल से यूज कर रहे हो तो आपको 800-900 कॉइन मिलेंगे, या फिर अगर आप दो साल कर रहे हो तो आपको 2-3 हज़ार कॉइन भी मिल सकते हैं, उससे ज्यादा कर रहे हो तो उससे ज्यादा मिलेंगे। ये काफी फ्री में है और इसकी लिस्टिंग काफी जल्दी अनाउंस होने वाली है। कुछ एक्सचेंजेस ऑलरेडी कंफर्म भी कर चुके हैं और 2-3 मिलियन से ज्यादा लोग इसको क्लेम कर भी चुके हैं। अभी भी गाइज ये ओपन है और जितने भी लोग, जितने भी आपके दोस्त वगैरह यूज कर रहे हैं, सबको बताओ कि ये फ्री में एयरड्रॉप यहाँ पर मिल रहा है, तो इसको आप मिस आउट बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज हो गई। दूसरी चीज गाइस, डिस्क्रिप्शन में अगर आप थोड़ा और स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको कुछ माइनिंग एप्स भी दिखेंगी, जो कि टेलीग्राम माइनिंग बोट्स है। अभी उनका ट्रेंड है गाइस, आप में से काफी लोग मेरे से भी ज्यादा यूज कर रहे होंगे, डेफिनेटली कुछ लोग होंगे, तो वो भी आप जरूर से कर लेना। टेलीग्राम पे पिन पोस्ट भी है और यूट्यूब के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, 17-18 मिल जाएंगे, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, उनमें से आप 2-4 कोई मिस तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप उन सबको यूज जरूर से करना। अब चलते हैं मेन मुद्दे पर गाइस, सीपेन नेटवर्क की केवाईसी पर। यहाँ पर गाइस सीपेन नेटवर्क की केवाईसी जो है, वैसे तो ये जून में ही कहीं ना कहीं बिल्डअप कर रहे थे, जून से पहले भी इन्होंने केवाईसी के लिए कई बार बताए थे कि ये जल्दी आने वाली है डेवलपमेंट में वगैरह वगैरह। यहाँ पर गाइस इन्होंने 18 जून जैसा कि आप देख सकते हो वहां पर बता दिया था कि किस तरह से केवाईसी आएगी, ये अभी डेवलपमेंट्स में है। और सबसे पहले ये बता रहे थे कि यहाँ पर आपको अपना सेल्फी देना होगा, उसके बाद में कुछ फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पर दिखाने होंगे। यहाँ पर इन्होंने पहले ये चीज कंफर्म कर दी थी कि यहाँ पर ये यूनिकनेस और कंफर्म करने के लिए कि कोई डुप्लीकेट अकाउंट तो नहीं है, उसी के लिए ये करवा रहे हैं। और AI बेस्ड ये होने वाली है सारी KYC। यहाँ पर गाइस फेस वेरिफिकेशन ही होगा ओनली, काफी इजी है, सिंपल है, यहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मांग रहे, हो सकता है कोई दोबारा से कोई फर्दर स्टेप्स ये रखे। और गाइस अगर इसके प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत ईजी है, लेकिन मैंने टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो सारे स्टेप्स मैंने फोटो के साथ में यहाँ पर बता दिए थे वैसे तो, कि कैसे कैसे आप इसको कर सकते हो। तो सिंपल सा है फंडा कि आप जैसे एक ऐप के अंदर जाते हो तो केवाईसी वाले टैब में आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद में जैसे आप इसको ओपन करोगे तो सबसे पहले इंटरफेस आपको ये दिखेगा, जहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह अच्छा होना चाहिए, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए वगैरह वगैरह, कैमरा लेंस भी आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मोबाइल के कैमरे से आप ये कर सकते हो। उसके बाद में आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का दिखेगा, जो ऑब्वियसली सब ज्यादातर प्रोजेक्ट में दिखता ही है कि किस तरह से हमें फेस वेरिफिकेशन करना है। तो इसके अंदर आपको सेंटर में अपना फेस रखना है अच्छी लाइटिंग में, जैसे आप वो करोगे तो वो आपका लोडिंग होगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में गाइज आपको अपर, यहाँ पर अपर स्क्रीन पर थोड़ा सा कुछ एक्शन दिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर ब्लिंक यहाँ पर होता है कि कीप ब्लिंकिंग ऐसा कुछ करके आपको दिखेगा, तो आपको वो एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे वो बोलेगा ब्लिंक तो आपको आंखें झपकनी अपनी, उसके बाद में वो बोलेगा स्माइल तो आपको स्माइली फेस बनाना है, तो उसी तरह से 3-4 एक्सप्रेशन ये बताएगा, और जैसे ये हो जाएगा तो आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिखा देगा, बस इतना सा ही प्रोसेस है गाइज। उसके बाद में आपका यहाँ पर भी वेरीफाइड नजर आने लग जाएगा, और साथ ही साथ गाइज जो आपका यूजर नेम होता है जहाँ पर आपका प्रोफाइल सेक्शन में, वहाँ पर ये ग्रीन टिक भी आपको नजर आ जाएगा। तो ये सिंपल सी स्टेप्स है, काफी इजी है, आप टेलीग्राम पर इसको अच्छे से पढ़ के या देख के भी कर सकते हो, काफी आसानी से ये आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज गाइस, जैसा कि इन्होंने बताया था कि वैसे तो 9-10 घंटे पहले इन्होंने बता दिया था एंड्रॉइड यूजर के लिए, तो ये ऑलरेडी हो ही रहा था केवाईसी वगैरह की कैसे कैसे आपको करनी है। और यहाँ पर गाइस एक कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि आपका स्ट्रीक स्कोर होना चाहिए 15। स्ट्रीक स्कोर मतलब गाइस की 15 दिन तक आपका कंटिन्यूसली माइनिंग सेशन ऑन होना चाहिए, वहाँ पर किसी का 7-8 होगा आप में से कई लोगों का, तो वो 15 पैरा पूरा कंप्लीट करना, उसी के बाद में आपका KYC यहाँ पर ओपन होगा, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। दूसरी चीज़ गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी है कि अभी रिसेंटली 36 मिनट पहले ये iOS यूजर्स के लिए भी अवेलेबल हो चुकी है KYC, तो सबसे पहले आपको ऐप अपडेट कर लेना है। सबसे मेन चीज़ तो यही है कि कोई भी हो यूजर वो ऐप अपडेट कर ही लेना, ऐप अपडेट करने के बाद में ये सारी चीज़ें आपको करनी जो मैंने बताई थी। और साथ साथ इन्होंने ये भी बता दिया यहाँ पर कि थोड़ा सा मतलब अभी सर्वर आपको स्लो नजर आ सकता है, ऐप थोड़ी सी स्लो यहाँ पर परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि KYC जैसे ओपन हुआ है तो थोड़ा सा जो ट्रैफिक है वो अचानक से आ गया है ऐप के ऊपर, तो उस वजह से थोड़ा सा मतलब आपको स्लो नजर आ सकता है, लेकिन उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, काफी इजिली ये हो जाएगा गाइस। दूसरी चीज रोड मैप में चलते हैं गाइस, क्योंकि आप में से काफी लोगों का क्वेश्चन तो ये भी होगा, क्योंकि जब भी हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था तो हमने रोड मैप इसका अच्छे से डिस्कस किया था पहले भी, कि फेज वन गाइस जो कि 2024 पूरा का पूरा रहने वाला है, तो उसके अंदर इन्होंने बताया था कि ये क्या क्या करवाने वाले हैं। और गाइस फेज टू के अंदर, यानी कि इन्होंने पहले ये चीज़ तो बता रखी थी कि जो माइनिंग है वो पूरा 2024 तक हम करते रहेंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो वो हमें कहीं ना कहीं 2025 में नजर आ रही है क्वार्टर 1 के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पर फेज टू यहाँ पर होगा।
और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि 2026 में इसका मेन नेट आने वाला है, लेकिन हमें वैल्यू शायद से 2025 में ही इससे मिल जाएगी। तो यानी कि अभी भी जितना भी टाइम बचा है हमें जो सीपेन की है माइनिंग ही करते रहना है, नए यूजर भी इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो फेज वन का लास्ट स्टेप था गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर KYC, तो उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस पहले ही करवा दिया है, आप देख सकते हो। हालांकि यहाँ से कुछ चीजें और भी हैं जो इन्होंने अभी नहीं की है, तो हो सकता है ये इन चीजों पर भी काम करेंगे, जैसा कि शॉपिंग एंड अर्न वगैरह, ये दो तीन चार चीजें हैं, तो ये भी हो सकता है गेम्स वगैरह। तो वो अभी लोकल सर्विसेज तो हमें दिखती है, लेकिन दो चार चीजें ये हैं ये नहीं दिखती, सोशल मीडिया नहीं दिखता है, तो हो सकता है ये सारी चीजें भी ये कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्टेप्स है वो आएगा। तो आई होप गाइस आपको ये सारी चीजें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। और सबसे पहले जो मैंने बताया था जो ये बोट्स वाला टेलीग्राम चैनल, तो आप मेक श्योर ज्वाइन कर ही ले गाइस, क्योंकि अदर चीजें जो हमने डिस्कस की है, चाहे वो एयरड्रॉप हो चाहे माइनिंग प्रोजेक्ट हो, कभी अर्जेंट अपडेट आती है तो वहां पर आपको वो मिल जाती है। और साथ ही साथ ये डॉक्स वाला बिल्कुल भी मिस मत करना, ये फ्री में मिल रहा है, सबको मिल रहा है, कोई भी टेलीग्राम यूजर होगा चाहे वो क्रिप्टो रूटो से रिलेटेड नहीं भी होगा तब भी उसको ये मिलेगा, क्योंकि टेलीग्राम की तरफ से एक आप समझ लो कि फ्री में एक गिव अवे करवा रहे हैं, उसमें आपको जस्ट पार्टिसिपेट करना है, तो ये लिंक आपको सबसे टॉप में मिल जाएगा, ये मेक श्योर आप कर लेना। आई होप गाइस सारी चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में अनदर अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।